अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इंसान की ये फितरत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश करता है लेकिन इंजीनियर्स कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ चुके हैं क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं पहले इंसान को काम करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए होता था लेकिन अब माहरीन ने ऐसी गाड़ियाँ और ताकतवर मशीनें तैयार कर दी हैं जिसकी वजह से अब ये काम काफ़ी आसान होते जा रहे हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी गाड़ियों और मशीनों पर नज़र डालते हैं सब्सक्राइब करें इंफॉर्मेटिव माइंड्स चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए नंबर नाइन नासा कराउलर ट्रांसपोर्टर्स दोस्तों हम सब जानते हैं कि रॉकेट को खिला में भेजना आसान बात नहीं है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि रॉकेट को जमीन पर एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल किया जाता है नासा के पास एक सौ इकतीस फीट लंबी मशीन है जो कि करोलर ट्रांसपोर्टर्स के नाम से जानी जाती है पिछले पचपन सालों से इस मशीन से रॉकेट को कैनेडी स्पेस सेंटर असम्बली बिल्डिंग से लॉन्च पैड तक मुंतकिल किया जा रहा है इस भारी मशीन का वजन इकतीस सौ ऐसी तैतीस सौ टन के दरमियान है ये एक घंटे में एक मील सफर तय करती है और अगर इसको फुल से भगाया जाए बिना किसी चीज को इस पर लोड किए तो ये एक घंटे में दो मील का सफर तय करेगी जिसका मतलब यह है कि अगर आप इसके साथ पैदल चले तो आपकी स्पीड इससे ज्यादा तेज होगी लेकिन दूसरी तरफ ये मशीन आठ टन वजन बर्दाश्त कर सकती है जिसका मतलब यह है की पच्चीस ट्रिपल सेवन एयरप्लेन को उठाकर चल सकती है इसने पहला रॉकेट उन्नीस में मुंतकिल किया था और आखिरी दफा दो में इसको इस्तेमाल किया गया था और अब 2024 में इसको दोबारा इस्तेमाल किया जाने वाला है जब नासा का आर्टिमा स्पेस प्रोजेक्ट पूरा होगा नंबर एट लाइबर टी टू एटी फोर माइनिंग ट्रक दोस्तों बड़े पैमाने पर खुदाई करना दुनिया के कुछ मुश्किल तरीन और बड़े में से एक है और जाहिर सी बात है इनके लिए ट्रक भी बड़े साइज के इस्तेमाल किए जाते हैं विशाल ट्रक माइनिंग के नाम से जाना जाता है इसकी लंबाई बत्तीस फीट है और ऊंचाई सताइस फीट से ज्यादा है इसके टायर इसको इतना बड़ा बना देते हैं की ये डबल स्टोरी के घर के जितना लगता है और इन टायरों को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है की ये एक ही दफा में सारा सामान उठा एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकता है इसके बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कम वजन वाला ट्रक है इसका वजन 240 टन है और एक पाम के दरखत का वजन भी इतना ही होता है और ये 360 वजन उठा सकता है जो कि इसके अपने वजन से काफी ज्यादा है नंबर सेवन वर्ल्ड लार्जेस्ट विली जीप दोस्तों आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी जो बड़ा होता है वो बेहतर होता है लेकिन इसके मुताबिक हम पुरानी बड़ी साइज की कारों के बारे में बात नहीं कर रहे और ना ही ये कारें इस कहावत के मुताबिक हैं हम इस गाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों ये दुनिया की सबसे बड़ी विली जीप है और इसके मालिक का नाम शेख हमाद बिन हमदान अल नाह है एक अंदाजे के मुताबिक ये जीप एक आम जीप से चार गुना ज्यादा बड़ी है देखने में ये एक लोहे का ढांचा लगता है लेकिन इसके चारों टायरों में मोटर्स लगी हुई है और इसे गणिश बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ी गाड़ी होने के तौर पर शामिल किया गया है अरब मुल्क में रहने वाले इस शाही खानदान के पास बहुत सी बड़ी और महंगी गाड़ियां हैं इन्होंने इस गाड़ी की कीमत बताने से इंकार कर दिया था लेकिन इंटरनेट से पता चला कि इसके एक टायर की कीमत 66 लाख है नंबर सिक्स मिल माई ट्वेंटी सिक्स हेलीकॉप्टर दोस्तों दुनिया के बड़े ममालिक अपनी ताकत के लिहाज से मशीनें बनाते हैं जहां अमेरिका के पास एक विशाल मशीन है जो कि चीजों को जमीनी रास्ते से एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है इसी तरह रशिया के पास एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो छब्बीस फीट ऊंचा है और एक फीट लंबा है ये मिल माई ट्वेंटी सिक्स हेलीकॉप्टर के नाम से जाना जाता है इस बारी हेलीकॉप्टर का वजन छप्पन टन है और इसके आठ ब्लेड होते हैं किसी जानवर के साथ इसके वजन को कम्पेयर करें तो इसका वजन दस अफ्रीकी हाथियों के बराबर है ये चीजों को हवाई रास्ते के जरिए एक जगह से दूसरी जगह करता है। इसको हम अमेरिका की विशाल मशीन के साथ कम्पेयर तो नहीं कर सकते लेकिन अमेरिका के एच सिक्सटी फोर पैच ऐसी इसका मुआवजा किया जा सकता है इसका वजन दस टन है ये पाँच सौ चार किलोमीटर तक उड़ सकता है और एक विशाल प्लेन को उठा सकता है इसको दो हजार दो में एक फौजी हेलीकॉप्टर को उठाने के लिए इस्तेमाल किया गया था नंबर फाइव ओवर बर्डन कैन और ब्रिज एफ सिक्सटी दोस्तों इसको पहली नजर में देखने से ऐसे लगता है जैसे किसी ने एफल टावर को जमीन पर गिरा दिया हो लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है यह एक मशीन है जिसकी लंबाई सोलह फीट है और ये एफ सिक्स एफल टावर से काफी बड़ा है ये तकरीबन 30 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है लेकिन इसे हकीकत में पत्थर के बड़े टुकड़ों को ऊंचाई तक पहुँचाने के लिए डिजाइन किया गया था और पहाड़ की गंदी परत को भी साफ करने के लिए बनाया गया था इसकी ऊंचाई अठारह मंजिला बिल्डिंग से भी ज्यादा है इसके ऊपर एक बेल्ट लगी होती है जो कि गंदगी को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करती है ये एक घंटे में पचपन हजार टन गंदगी साफ करता है नंबर फोर ई टी एफ एम टी टू फोर्टी दोस्तों स्लोवेनिया कंपनी दुनिया में सबसे बड़ी मशीनरी तैयार करने के तौर पर जानी जाती है जिनका मकसद पहाड़ी इलाकों में खुदाई करना होता है और एम टी टू फोर्टी को देखकर आप इन बातों से इनकार नहीं कर सकते माहरी इसे और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं ये चौबीस फीट ऊंचा है बाईस फीट चौड़ा है और सत्तर फीट लंबा है लेकिन देखा जाए तो ये ब्लेज सेवन फिफ्टी सेवन टेन से भी बेहतर है जो की दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक माना जाता है इसके पीछे लगी हुई ट्रॉली मिट्टी या बजरी को फेंकते हुए नाइन्टी डिग्री तक घूम सकती है इसके दस टायर जो कि पांच में घूम सकते हैं और ज्यादा से, ज्यादा जमीन पर भी से, को एक से दूसरी जगह मुंतक कर सकते हैं और यह ट्रक दो सौ चालीस टन वजन बर्दाश्त कर सकता है, थ्री, जूबर। कहा जाता है में बड़ी जो ऐसा कहते हैं फिर वो रशियन हावर क्राफ्ट के बारे में बिल्कुल नहीं जानते ये एक सौ सतासी फीट लम्बा और तीन सौ पचास टन भारी है और इसे गणेश बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे बड़ा हावर क्राफ्ट के तौर पर शामिल किया गया है इसे रशियन आर्मी अपने सामान को जमीन और पानी दोनों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करती है ये पानी के साथ मौजूद किसी भी तरह की जमीन आरोप उतर जाता है और पाँच सौ पचपन टन के वजन को उठा सकता है नंबर माइनिंग दोस्तों ये मशीन बड़ी से बड़ी से खुदाई करने के लिए इस्तेमाल होती है और इसमें बहुत बड़ी बड़ी मोटर्स होती हैं इसमें किसी किस्म का हाइड्रोलिक सिस्टम नहीं होता और ये एक दफा में एक लाख अस्सी हजार टन वजन उठा सकती है इसमें सत्रह सौ फीट गहरी खुदाई करने की ताकत मौजूद है और ये इकतीस फीट ऊंचे ट्रक में सामान को भर सकती है नंबर वन बकेट व्हील एक्सकावेटर दोस्तों आपने अब तक जो चीजें देखी हैं शायद वो पहले कभी आपने देखी होंगी लेकिन इसे आपने आज से पहले नहीं देखा होगा ये जमीन पर चलने वाली दुनिया की सबसे बड़ी और वजनी मशीन है ये जो एक लोहे का टायर आप देख रहे हैं इसमें बहुत सी बाल्टियां लगी हुई है ये पथरीली जमीन को खोती है इसकी एक बाल्टी के अंदर इतनी मिट्टी भरी जाती है की उससे तैतालीस बाथ को भरा जा सकता है ये एक दिन में तीन लाख अस्सी हजार टन मिट्टी उठा सकती है इसकी ऊंचाई तीन सौ अस्सी फिट है और सात सौ अठतीस फीट लंबा है और इसे गणित बुक को वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया की सबसे बड़ी और भारी मशीन के तौर पर शामिल किया गया है ये चलने के लिए सोलह मेगा पावर की बिजली इस्तेमाल करती है जिससे अस्सी लाख मोबाइल चार्ज किए जा सकते हैं तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेलाइकन आरोप क्लिक कर दें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके